हाय गाइस, वेलकम टू आसान बायोलॉजी। आसान बायोलॉजी में आज सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने तकरीबन तीन वीडियो रिकॉर्ड किया, तीन क्लासेस ली थी। उससे मैंने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात किया था मैंने, उसके बाद उसके फर्दर आगे हमने सेल थ्योरी के बारे में बात की थी। तो आज हम आपको विल टीच यू यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मेरा मेन आज मकसद था कि आपको यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं उनके डिफरेंसेस आपको बताता चलूं, बिकॉज़ ये असल में आपको समझ में बाद में आएगा जब आप हम हर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जब हम पूरी तरह से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इट विल बिकम फर्दर क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बट टू स्टार्ट विद इसको थोड़ा कवर करना जरूरी है तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज़ द सेल इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड इनटू यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। So, इसलिए आज इसका डिफरेंस बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एनालॉजी, कुछ टूर कराऊंगा मैं, एक सिटी का टूर कराऊंगा और एक टिपिकल स्कूल का टूर कराऊंगा, और फिर उसको कोरिलेट करूंगा कि कैसे जो सेल है उनके ऑर्गेनेल्स है वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो जो जिन लोगों ने सेल को थोड़ा बहुत पढ़ा है और समझा है वो तो दे कैन कंटिन्यू, दोज हु हैवंट मच आइडिया अबाउट सेल एंड ऑल, बेटर दे कैन पॉज द वीडियो हियर, go through and brush up your previous knowledge and then come again and then restart the video. So guys, aaj hum aasan biology mein fir aasani se samajhne ki koshish karenge kisi ko analogy ke zariye, kahani ke zariye, tour ke zariye, because biology let it make it more tasty, more easily, more understandable rather than bland and very rough thing. So I'll try to give you the idea that how the cell organelle works and all. So chalo main aapko tour karata hu. I belong to a small city called Bokaro Steel City. Though I have visited all across India and all the cities, be it metros or small cities, I have visited somewhat around 50 cities across the India. And because I was previously working with some pharmaceutical company, और जब उसमें काम कर रहे थे हमारे पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बड़ी टीम थी, न्यूट्रिशनिस्ट की टीम थी, तो उसके साथ बहुत सारे सिटीज में घूमना हुआ। बट आपको आज अपनी सिटी में द सिटी वेयर आई बोर्न वॉटर, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैंने पढ़ाई की, उसके बारे में बताऊंगा। तो बोकारो स्टील सिटी की बात करते हैं। बोकारो स्टील सिटी छोटा सा शहर है, एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, उसके एक बॉर्डर है। जब उसके अंदर आएंगे उसमें तो उसमें एक टाउन हॉल है, सेक्रेटेरिएट है और सेक्रेटेरिएट है, उसके बाद रोड्स बहुत अच्छे हैं, सड़क है, आप ट्रक लोड से सामान को इधर उधर ले जा सकते हैं, कई सारे पोस्ट ऑफिस हैं, एक हेड पोस्ट ऑफिस है उसमें। ठीक है, आप बोलेंगे कि ये कहानी क्यों बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है वहाँ पे, एक फैक्ट्री है, प्लांट जिसको बोलते हैं, जिसके नाम से रशिया ने बहुत पहले यहाँ पे प्लांट बनाया था, तो वो एक बड़ी सी फैक्ट्री है। और वहां से अभी कोरोना में हमने बहुत सारे ऑक्सीजन बनाए थे और पूरे इंडिया को हमने यहाँ से ऑक्सीजन बेचा था। तो लोगों को, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी उस टाइम में, तो ये बोकारो स्टील प्लांट से दिल्ली को और गुजरात को और हरियाणा को और दिल्ली और यूपी को हमने ऑक्सीजन भेजा था। तो ये सिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये सिटी क्या है कि एक उसकी एक इसका बाउंड्री है, एक बॉर्डर है, उसका एक कुछ गेट्स है जिसके थ्रू आप उसको एंटर कर सकते हो। उधर कोई बाईपास रोड से इंटर कर रहा है, कोई सेक्टर 9 से इंटर कर रहा है, जो लोग जानते हो बोकारो को। अदरवाइज हर सिटी में यही होता है कि मेन उसका बॉर्डर होता है और कुछ गेट्स बने होते हैं, रोड्स बने होते हैं जिससे लोग इंटर करते हैं। फिर उसका एक सेक्रेटेरिएट होता है, टाउन हॉल होता है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती है, जहाँ से डिसीजन मेकिंग होती है, जहाँ पे डीएम बैठता है या मेयर बैठता है। फिर उसमें बहुत सारे हाईवेज होते हैं, ट्रक लोड्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, वर्कर सिटीज में काम करते रहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है और पोस्ट ऑफिस होती है जो कि चीजों को बनाती है और पोस्ट करती है। उसी तरह से अगर एक स्कूल की बात करें, आप अभी लॉस्ट हो जाओगे, लेकिन बी पेशेंट, थोड़ा पेशेंट रखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ। तो एक स्कूल है, स्कूल से आप इंटर करोगे, एक बड़ा सा गेट होता है, बाउंड्री से घिरा होता है, आप स्कूल के ऑफिस पहुंचते हो, प्रिंसिपल स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस होता है और प्रिंसिपल ऑफिस के साथ कॉरिडोर्स होते हैं और वहाँ पे एक जनरेटर प्लांट होता है, जैसे सिटी में, जैसे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए प्लांट होता है जिसको ग्रिड बोलते हैं या ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्कूल में भी उसी तरह से जनरेटर रूम होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल से क्लासरूम को मैसेज पहुंचाने के लिए प्यून्स होते हैं जो कि सारे मैसेजेस को लेते हैं, किस क्लास में कौन सा मैसेज जाना वो पहुंचाते हैं।
ठीक है, और उसमें जैसे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, टॉयलेट होता है, वॉशरूम होता है। तो आपको मैंने जैसे एक सिटी और एक स्कूल का टूर करा दिया, अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ कि मैं ये सब बता क्यों रहा था। देखो सेल जो ये जो टाउन का जो बाउंड्री है ना, जो या जो स्कूल की बाउंड्री है ना, वो सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर सिलेक्टिवली किसी चीज को अंदर या बाहर जाने देता है, ठीक है। अब आप आ जाओ या तो प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाओ स्कूल के, या फिर आप किसी टाउन के सेक्रेटेरिएट या डीएम के ऑफिस में पहुंच जाओ। तो ये जो ऑफिस होता है ये हेड होते हैं सेल के, दे आर द ब्रेन ऑफ सेल, दे आर द मेयर ऑफ सेल, दे आर द लीडर ऑफ सेल। ये लॉ बनाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और ये लॉ बनाते हैं कि कैसे डिस्ट्रिक्ट में सारे काम होंगे। तो लॉ इन्हीं के अंदर होता है। या फिर स्कूल में प्रिंसिपल लॉ बनाता है, प्रिंसिपल लोगों को वर्क असाइन करता है, तो प्रिंसिपल का बड़ा रोल होता है, या डीएम या मेयर का रोल होता है। तो ये जो डीएम ऑफिस है या जो प्रिंसिपल ऑफिस है वो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और न्यूक्लियस ब्रेन होता है सेल का, और वही गाइड करता है कि कैसे काम करना है सेल को, और आगे भी मैसेज पहुंचाता है आगे अगले जनरेशन को, उसके पास जो कोडेड जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि सिटी के अंदर हाईवेज बने हुए हैं, रोड्स हैं, ट्रक लोड्स हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, दे सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड दे कैरी द प्रोटीन विद इन सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो वो जो हाईवेज है, जो ट्रक लोड्स है, वो प्रोटोप्लाज्म है। अब राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम इज अ फैक्ट्री, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो काम करते, छोटे छोटे फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते रहते हैं, वो राइबोसोम होते हैं। वो वर्कर्स या तो अकेले काम कर रहे हैं, या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इसी तरह से राइबोसोम या तो न्यूक्लियस पे चिपका हुआ है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक के उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, या न्यूक्लियस ऐसे ही फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो हर एक जो मैमल है, ह्यूमन इज अ मैमल, हर मैमल के सेल में तकरीबन 1 करोड़ राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और ये राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं यूकैरियोट्स में, और वो प्रोकैरियोट्स में वो ओपन होते हैं। अभी आगे आपको बताऊंगा क्या होगा। तो ये जो फैक्ट्री वर्कर्स है ना, दे आर व्हाट, दे आर द दे वर्कर्स एंड दे प्रोड्यूस समथिंग एंड दे जो टूट फूट होता है ना उसको वो ठीक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया, राइबोसोम बता दिया। अब देखो क्या है कि जब प्रोडक्शन हो गया किसी चीज का, अब उसको किसी खास खास जगह पे पहुंचाना है, तो उसको पहुंचाने के लिए हमें एक पोस्ट ऑफिस चाहिए। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, चीजें उनके पास आती है, वहां से सॉर्टिंग की जाती है, कहां क्या चीज जाना है, उसकी रीपैकेजिंग की जाती है, और फिर वापस वहां भेजा जाता है जहां पे उसको डेस्टिनेशन जाना है। यही काम गॉल्गी एपरेटस का है। व्हाट डज गॉल्गी एपरेटस डू, दे जस्ट टेक द प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दे सॉर्ट इट एंड दे पैकेज इट एंड देन इट रिलीजेस टू द वेरियस पार्ट ऑफ द सेल कि जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये बड़ा सा सिटी है या बड़ा सा, और जो बड़ा सा जो आपका स्कूल के अंदर भी एक सिस्टम होता है जो कि प्यून जो है ना उनको ले करके सारे हर सेक्शन 8A 8B 11C 11D आर्ट्स है कॉमर्स है वहां से सारे मैसेज को लेता है प्रिंसिपल से, उसको सॉर्ट आउट करता है, फिर वहां पहुंचाता है। तो वो गॉल्गी एपरेटस है, ठीक है। अब लाइसोसोम क्या हुआ, बॉडी है, बड़ा सा सिटी है, उसमें वेस्ट क्रिएट होगा, वेस्ट को डिस्पोज करना है और उसको प्रोसेस करना है, यानी कि जैसे जो भी कबाड़ा है, जो भी चीजें हैं, पॉलिथीन जमा हो रहा है और चीजें वेस्ट जमा हो रहा है सिटी में, उसको इकट्ठे जमा करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर वापस उसको रीयूज भी कर सकते हैं और उसको उसको डिस्पोज कर देते हैं। लाइसोसोम का यही काम होता है। या स्कूल में जैसे वॉशरूम है, इतने सारे बच्चे हैं, उनको नेचुरल कॉल के लिए जाना होता है, वॉशरूम मतलब स्कूल गंदा ना हो जाए उसके लिए वॉशरूम होता है, और वॉशरूम इज वर्किंग एज अ लाइसोसोम। लाइसोसोम का यही काम होता है कि सेल के जो वेस्ट मटेरियल है उनको 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 मैनेज करना, उनको रिसाइकल करना, ये लाइसोसोम का काम होता है, ठीक है। अब आ जाओ, इतना बड़ा सिटी है, इतना बड़ा स्कूल है, पावर चाहिए, पंखा चाहिए, एसी चलाना, या सिटी में मॉल में लाइट चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, ऑफिसेज है, हॉस्पिटल्स है, सब में लाइट चाहिए, तो दे नीड अ पावर हाउस। सो द पावर हाउस क्या होता है, एक बड़ा पावर हाउस है, छोटे छोटे बहुत सारे पावर हाउसेज होते हैं, और यही काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम क्या करता है, वो ग्लूकोज को लेकर को उसको ब्रेक डाउन करके एटीपी जनरेट करता है, और वो एटीपी जैसे कि हमारे पास पावर हाउस में क्या होता है, कोयला हमारे पास है या तेल हमारे पास है, बट तेल और कोयले से एनर्जी नहीं निकल सकता है,
तेल कोयले से एनर्जी को हमें यूजेबल फॉर्म में ट्रांसफर करना होता है, तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर कर देते हैं उसको सारे हाउस होल्ड में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में, सब जगह भेज देते हैं, वहां यूज होता है। तो दिस इज द जॉब ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस एंड इट यू नो जनरेट्स पावर एंड ये पावर्स को भेजते हैं सब जगह। अच्छा ठीक है, अब कई जगह आपने देखा होगा स्कूल में भी और आजकल सिटीज में भी आ गया है, उनके पास सोलर प्लांट्स होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का ये काम होता है कि ग्लूकोज जनरेट करता है, फूड बनाता है सनलाइट में, तो ये काम होता है। ठीक है, अब आप स्कूल्स में आ जाओ, बहुत सारे पिलर्स होते हैं, बहुत सारे सीलिंग्स होते हैं, दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो क्या है? वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक तरह से समझो कि सिटी के बीच में कोई पॉन्ड है, उस पॉन्ड में पूरी सिटी बसी हुई है। आप इटली के कुछ शहर हैं, या फिर आप जब कश्मीर में चले जाओ, शिकारा आप देखते हो ट्रैवल करता है, मान लो कि एक ऐसी सिटी है जो कि पानी में बसी हुई है। उसी तरह से सेल भी एक तरह से सिटी है, पानी में बसी हुई है, और पानी के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर होता है, वो साइटोप्लाज्म होता है। जैसे साइटोप्लाज्म में पानी और सॉल्ट और ग्लूकोज का बना हुआ साइटोप्लाज्म होता है, उससे उसके थ्रू कंडक्शन होता है चीजों का। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कैसे चीजें सेल और या स्कूल है ये कैसे फंक्शन करता है। उसी तरह बॉडी के अंदर जो सेल, ये मोटे मोटे मैंने फंक्शन बता दिए, ये काम करता है आपको और अच्छी तरीके से। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की एनिमेशन के साथ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लर्न, यू कैन लुक एट दिस एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बहुत मजा आएगा कि ये सेल आपस में कैसे काम करते हैं। तो मैंने कुछ आपको एनालॉजी दे के मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि लाइसोसोम का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम है, गॉल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, इन सारे का क्या क्या काम है, आपको ब्रॉडली मैंने एक एनालॉजी के तरीके समझाने की कोशिश की। होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप एक बार उसको फिर से अगर इन सारे ऑर्गेनेल से पढ़ोगे, उनके फंक्शन को जानने की कोशिश करोगे, इट विल अगेन, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखोगे, देन इट विल कम इंटरेस्टिंग। तो आपको ये होमवर्क है कि आप एक बार सारे सेल ऑर्गेनेल्स को रिवाइज करो और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखो, यू विल बी हैप्पी दैट यू नो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, अब आपको एक और एनर्जी देता हूँ कि मैं जब बचपन में था तो हम मार्केट में जाते थे। मैं आपको बोकारो का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा हाट है, हटिया है, जहाँ पे ना लोग ओपन में दे सेल कपड़ा बेच रहे हैं और कुछ भी, दे आर सेलिंग एनीथिंग, राशन का सामान बेच रहे हैं, बट दे आर सेलिंग इन ओपन मार्केट, वो क्लोज नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, जब लोगों के अंदर डेवलपमेंट आया, तो वही सारी जो ओपन मार्केट है ना, दे कन्वर्टेड इन टू शॉप्स। एक एक शॉप है, एक छोटा सा शॉप है, उसमें एक ओनर है, वही सारा काम कर रहा है, वही प्यून भी है, वही अकाउंट भी संभाल रहा है, और वही माल भी लाता है, माल भी पहुंचाता है, यानी एक आदमी है, सारे दुकान को वही संभाल रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसका जो चैम्बर बना हुआ है वो सिंगल एक दुकान बना हुआ है, दिस इज अ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट क्या है? वो फर्दर जब डेवलपमेंट हुआ, जब फर्दर डेवलपमेंट होगी, ये दुकान मॉल में बदल गया। अब मॉल में जब बदल गया तो कैटेगराइज्ड हो गया, मॉल में आप जाओगे तो कैटेगराइज्ड होगा कि बेबी फूड यहाँ मिलेगा, और गारमेंट्स का ये सेक्शन है, और कॉस्मेटिक का ये सेक्शन है, और वहाँ पे ऑफिस में जो लोग देखते हैं, बिलिंग यहाँ पे होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ होता है। ठीक है, और ऑफिस के स्टाफ का अटेंडेंस यहाँ होता है, तो वो एक तरह से पूरी तरह से यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें वेल डिफाइंड जो काम है ना, छोटे छोटे जो काम डिवाइड हो जाते हैं सेल ऑर्गेनेल के, वो सारे अपने अपने चैम्बर है। यहाँ पे तो जो दुकानदार है वो अकेला खुद काम कर रहा है, उसका कोई चैम्बर नहीं, ओपन है अपने दुकान में। लेकिन जब आप मॉल में जाके जाओगे तो जो मॉल का जो मेन मालिक है, जो मैनेजर होता है उस, या बड़ी कंपनी का जो मैनेजर होता है, उसका जो केबिन होता है वो बड़ा सा केबिन होता है, जो सीईओ बैठता है, डीसीओ हो, वीपीओ, एंड ही टेक द डिसीजन, वो डिसीजन लेता है। तो एक तरह से वो न्यूक्लियस है, उसके नीचे बहुत सारे लोग, अलग अलग डिवीजन, अगर किसी कंपनी में बात करूँ तो मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग लोग हैं, तो उनके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, फिर फैक्ट्रीज होती हैं, फिर कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, तो अलग अलग चैम्बर्स डिवाइड होते हैं।
तो उसी तरह से जैसे जब इवोल्यूशन शुरू हुआ तो कैसे आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले कुछ नहीं था, 4 अरब साल के बाद प्रोकैरियोट्स बने और तकरीबन 1 से 1.5 अरब तक प्रोकैरियोट्स दुनिया में अकेले रहते थे। उस टाइम में यूकैरियोट्स नहीं आया था और ये पिछले 3.7 बिलियन ईयर्स पहले यूकैरियोट्स का जन्म हुआ। और इसकी भी एक थ्योरी है, मैं आपको आपको डिटेल में बताऊंगा इवोल्यूशन में कि हाउ दिस मींस प्रोकैरियोट्स डेवलप इनटू अ यूकैरियोट्स। तो ये दो बड़े बड़े क्लासिफिकेशन है सेल के, अगर सेल को हम बात करें उनके स्ट्रक्चर्स की, उनके सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन की, तो ये दो बड़े डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है सेल का, जिसमें यूकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स है। और तीन डोमेन है हमारे पास, एक आर्किया, एक बैक्टीरिया है और एक यूकैरियो है। तो ये जो यूकैरियोट्स है ना, वो उसमें बैक्टीरिया भी है और आर्किया भी है और रेस्ट ऑफ द आप जान ही रहे हो जो जिसमें 5 किंगडम है, जब विटेकर के 5 किंगडम है उसमें 6 किंगडम है, एक आर्किया है जो कि आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो आज ब्रॉडली विल टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अच्छा ठीक है, तो देखो कैरियोट्स से ही जो नाम है इसी से पता चलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड प्रो। कैरियोट मींस कर्नल, कर्नल मींस क्या होता है कि नट्स के अंदर भी कुछ पाया जाता है, जैसे आपने अखरोट देखा होगा, मूंगफली देखी होगी या नारियल देखा होगा, उसके अंदर ना कर्नल होता है, तो उसको ना न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। तो यो प्रोकैरियोट्स मींस प्री, यानी न्यूक्लियस से पहले वाला सेल, जब न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस बना ही नहीं था, और जब न्यूक्लियस बन गया तो वो यू मींस टू, टू न्यूक्लियस। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन। अच्छा ठीक है, जब इवोल्यूशन हो रहा है जाहिर सी बात है तो जो पुरानी की सेल है वो प्रिमिटिव होगी, वो सिंपल होगी और उसका साइज छोटा होगा और उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो अगेन छोटा होगा, मेटाबॉलिज्म उसकी ज्यादा होगी, वो जल्दी से फास्टली डिवाइड करता है, वो अपने जो आउटसाइड एटमॉस्फेयर से जल्दी से अपने आप को बदलाव लाता है। ये प्रोकैरियोट्स के सारे प्रॉपर्टीज है। अब जहां तक यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज है। देखो ना, अगर छोटी दुकान होती है, छोटा ऑफिस होता है, डिसीजन बहुत आसानी से होता है, जल्दी जल्दी चीजें डिसाइड की जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता चला जाता है वहां पे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी स्लो होती जाती है, बिकॉज एक सिस्टम बना होता है वहां पे और उस सिस्टम के थ्रू जो डिसीजन है वो पास होता है और तब किसी चीज को कर सकते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो पहले के सेल है, प्रिमिटिव सेल है, सिंपल है और वो डिसीजन आसानी से ले सकते हैं, वो अपने आउटसाइड के जो एटमॉस्फेयर है उससे फास्टली रिएक्ट करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं, फास्टली डिवाइड कर सकते हैं और उनकी लाइफ छोटी होती है, मींस वो फिशन के जरिए डिवाइड कर जाते हैं। लेकिन जहां तक यूकैरियोट्स है, अब वो डेवलप हो चुका है, उसको अपना एक सेल मिल चुका है, उसके एक ऑर्गेनेल्स बन चुके हैं, उन्होंने अपने काम को अलग अलग डिवाइड कर दिया है और एक ऑर्गेनाइज सेल बन गया है। एंड यू नो दिस ऑल प्रोटिस्टेंट्स, दिस फंजाई and you know the human beings and the plant kingdom all are from eukaryotes. Monera jo bacteria hai na wo prokaryote hai. To inke jo structures hai usme thode thode se difference hai. Aapko cell ke bare mein maine bataya hai kya cell ke andar kya kya organelles hote hain aur kya kya kaise function karte hain. To hum similarities ki pehle baat kar lete hain, jo ki dono cell hai, dono living cell hai, dono ka kaam hai survive karna, दोनों काम है आगे ग्रोथ करना, डिवाइड करना और अपने लाइफ को बना के रखना। दिस इज द फंक्शन ऑफ एनी सेल और उस फंक्शन को अपना करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को करने के लिए दे कीप ऑन डूइंग द थिंग। सो द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम बट स्टिल देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। सो आई हैव जॉट डाउन, आई हैव रिटेन इन माई ब्लैक बोर्ड। हम प्रोकैरियोट्स जो है वो हमने बता दिया, स्मॉल है, आपको मैंने डिटेल दे दिया, ठीक है ना। हम उनकी सिमिलरिटीज की बात करते हैं, तो सिमिलरिटीज में क्या है कि दोनों के अंदर डीएनए होता है और डीएनए क्या है, डीएनए इज अ न्यूक्लिक मटेरियल एंड इट इज हैव अ इंफॉर्मेशन टू इट्स द कोडिंग एंड इंफॉर्मेशन टू पास ऑन द जेनेटिक मैसेज टू द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल एज इट हैज अ कोडिंग एंड इंफॉर्मेशन दैट क्या प्रोटीन बनेगा, ये सेल कैसे काम करेगा, सारा सेल का जो ब्लूप्रिंट है ना, जो प्लान है ना, वो डीएनए में छुपा होता है। ये डीएनए जो कि दोनों सेल को काम करना है, उनके प्लानिंग होना, उनको प्रोटीन बनाना है, सो डीएनए इज द कॉमन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। कमिंग टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अगेन हमने बताया था
एक तरह से समझो कि एक सिटी है जो झील पे बनी हुई है, उसी तरह का साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन है, दोनों के स्ट्रक्चर मोर और लेस साइटोप्लाज्म के सेम होते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है क्योंकि दोनों की आउटर कवरिंग होती है। अब प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल होता है, और यूकैरियोट्स के बाहर भी सेल वॉल होता है, उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, बट सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होता है। तो मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया। आगे मैंने आगे आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा और डिफरेंस दे दूंगा कि जो प्रोकैरियोट सेल है ना, उनके सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और यूकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन ये कॉमन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ कॉमन, बट स्ट्रक्चरली देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज हैविंग नॉट हैविंग कोलेस्ट्रॉल, बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैव अ कोलेस्ट्रॉल। देन कमिंग टू द सेल वॉल, सेल वॉल इज अगेन कॉमन, प्लांट जो सेल है जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर सेल वॉल होता है। सेल वॉल के साथ जो सिमिलिटी है उसके साथ डिसिमिलिटी भी यही पे आपको बता दूं, दो मैंने इसको जॉट डाउन कर दिया है। तो सेल वॉल होता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोट्स है जो बैक्टीरिया है उनके सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेंस के बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन और शुगर के बने होते हैं। उसका जो अपोजिट है जो प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल होते हैं वो या तो सेलुलोज के बने होते हैं प्लांट सेल में, और अगर फंजाई है तो काइटिन के बने होते हैं। काइटिन इज अ मटेरियल, और सेलुलोज जो आपको बायोमोलिक्यूल जब आगे पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियस से कहानी शुरू हुई थी, प्रोकैरियोट्स यानी कि न्यूक्लियस से पहले, एंड यूकैरियोट्स यानी ट्रू न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस है। तो भाई दोनों जो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि अपने जो न्यूक्लिक मटेरियल है उसको अपने अंदर एक मेम्ब्रेन में छुपा कर रखता है, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स है उसके जो ये डिफरेंस मैं आपको यहाँ बता चलूं, जैसे ये आपको ये यूकैरियोट्स के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये इस तरह से डीएनए होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स है उसका जो डीएनए है ना वो सर्कुलर होता है और न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, सॉरी इट्स नॉट इन द न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा सर्कुलर होता है, एक ही सेल है लेकिन ऐसे सर्कुलर होता है, और इसको न्यूक्लोइड बोलते हैं, जिस रीजन में होता है ना उसको न्यूक्लोइड बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लोइड बोलते हैं। अच्छा, इनके क्रोमोसोम्स जो है ना डीएनए में जो डिफरेंस है वो आगे आपको बताऊंगा। तो बेसिक डिफरेंस इज दैट कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस इज अ मेड ऑफ बाई लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो लेयर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ ये एब्सेंट होता है इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस रीजन को न्यूक्लोइड बोलते हैं जहां से ये ओपन होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे दुकान है, दुकान में जो बॉस बैठा हुआ है वो खुले में बैठा है, उसके लिए अलग चैम्बर में एक ही दुकान है, तो एक ही दुकान में तो उसको दुकान के अंदर कोई चैम्बर नहीं बना है, लेकिन जब बड़े दुकान मॉल में चले जाओगे या बड़े कंपनी में चले जाओगे तो जो बॉस है ना उसके लिए चैम्बर बना होता है बड़ा सा, उस चैम्बर के अंदर बैठ के वो डिसीजन देता है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन से दिस इज द यूकैरियोट्स एंड दिस इज द प्रोकैरियोट, ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे आपको मैं बताता चलूं, अब जब सेल की बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेसिकली, क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं, और जब डिवीजन होता है ना तो वो कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होके स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल ही कंडेंस हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक होते हैं, उसमें क्या होता है क्रोमोसोम एक होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिसको कि हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन डिवीजन का मैसेज नहीं होता, बट स्टिल दैट इज अ डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल होता है। सो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड प्लाज्मिड दैट इज देयर। तो प्रोकैरियोट्स में एक, चूंकि एक ही सर्कुलर, एक सर्कुलर प्रोकैरियोट्स, अगर न्यूक्लियस आप न्यूक्लियोइड्स देखोगे, ये टिपिकल प्रोकैरियोट्स है, ये सबसे पहले बाहर एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर एक सेल वॉल बना हुआ था, पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल बना है, और उसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये तीन लेयर्स होते हैं, और उसके अंदर ना ये जो न्यूक्लियस है ना इस तरह से ओपन होते हैं, एक्सपोज होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ओपन होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, कुछ एक बैक्टीरिया जैसे विब्रियो कॉलरी है उसमें दो क्रोमोसोम पाए गए हैं,
बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स हैव अ सिंगल वन क्रोमोसोम। तो आप याद रखना, अगर सवाल आएगा कि एक क्रोमोसोम वाले कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो नीचे अगर ऑप्शन में जो भी बैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया लिखा हो तो आप उस पर टिक कर देना, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स इज ऑलवेज यूनिसेलुलर, वो हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मोस्टली आर द मल्टीसेलुलर बट समटाइम्स दे आर यूनिसेलुलर, लाइक अमीबा है, यूग्लिना है और ईस्ट है, ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं जो कि जो यूकैरियोट्स हैं जो कि यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। ठीक है, अब आगे हम जब जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल में जो प्रोकैरियोट्स जो मैंने बताया था कि जब डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम मोर प्रोमिनेंट हो जाता है, जब वो डिवाइड करता है, तो डिवीजन का तरीका जो प्रोकैरियोट्स में है ना, वो अमाइटोसिस होता है, असेक्सुअली डिवाइड करते हैं, उसमें मेल फीमेल तो नहीं, वो असेक्सुअली डिवाइड करते हैं, अमाइटोसिस का बाइनरी फ्यूजन हुआ और डिवाइड होता है, और ऑलमोस्ट ये दोनों एक दूसरे क्लोन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम होता है। कभी कभी पाइलाई के जरिए कंजुगेशन होता है, जब दो बैक्टीरिया आपस में कंजुगेट करके जेनेटिक मटेरियल का टू एंड फ्रो होता है, बट मोस्टली इन मोस्टली केसेस प्रोकैरियोट्स जो हैं दे डिवाइड एसेक्सुअली एंड वी कॉल इट एज अमाइटोसिस, बिकॉज़ अमाइटोसिस मींस नो माइटोसिस, बट सो फार एज द यूकैरियोट्स आर कंसर्न्ड दे डिवाइड देयर सोमेटिक सेल्स डिवाइड माइटोटिकली एंड देयर जर्म सेल्स डिवाइड मियोसिस, और इसी वजह कर इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोट्स के, वो हैप्लॉइड होते हैं, उसमें सिर्फ एक पेयर इनफॉर्म है, एक ही क्रोमोसोम है और एक ही पेयर है, सो दे ऑलवेज आर हैप्लॉइड, बट सो फार एज द यूकैरियोट्स आर कंसर्न्ड, जो यूकैरियोट्स हैं उनके जो वो डिप्लॉइड होते हैं, यानी उनके पास हमेशा दो सेट होते हैं जेनेटिक मटेरियल के, और जब गैमेट्स बनते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल हमेशा डबल होते हैं इसमें यूकैरियोट्स। ठीक है, आगे आ जाओ मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो यूकैरियोट्स है प्रोकैरियोट्स उसमें कोई मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेल नहीं होते, उसमें राइबोसोम होते हैं, मैंने आपको जो कॉमन बताना शुरू किया था, तो राइबोसोम इज अ कॉमन बिटवीन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, बट इन प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं वो ओपन एक्सपोज होते हैं साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में, बट प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं वो अगेन सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। तो याद रखना कि मेम्ब्रेन बॉन्ड राइबोसोम्स आर देयर इन यूकैरियोट्स, सो फार एज द प्रोकैरियोट इज कंसर्न्ड देयर राइबोसोम्स आर स्मॉल, दे आर सिंपलर एंड दे आर नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड, दे आर एक्सपोज इन टू द साइटोप्लाज्म। और अगर बताते चलो आपको राइबोसोम की जब बात हो रही है, तो दो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम में, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, तो जो राइबोसोम यूकैरियोट्स जो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता है उसको जो दो सब यूनिट्स होते हैं, एक 30S एक 50S का होता है, ये सेडिमेंटेशन में जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें जो 70S जो प्रोकैरियोट्स है उनके जो राइबोसोम है 30S और एक 50S है, बट सो फार एज द राइबोसोम ऑफ द प्रो यूकैरियोट्स आर कंसर्न्ड, अगर यूकैरियोट के राइबोसोम की बात करें तो वो 40S और 60S दो सब यूनिट 40S और 60S के होते हैं। ठीक है, तो मैंने साथ-साथ में आपको डिवीजन बताता चलूं, सेल मेम्ब्रेन का मैंने डिवीजन सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस बता दिया था, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होते हैं लेकिन केमिकली थोड़ा सा फर्क होता है, एक में कोलेस्ट्रॉल होता है, एक में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, राइबोसोम का डिफरेंस बता दिया, दोनों यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला होता है, बट जो फ्लैजेला यूकैरियोट्स में होता है, जो बैक्टीरिया के जो फ्लैजेला होते हैं वो सिंपल होते हैं और उनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो फ्लैजेलिन होता है, बट जो फ्लैजेला यूकैरियोट्स में होते हैं वो ट्यूबुलिन के बने होते हैं, और इनमें एक ही ट्यूब्यूल होता है, वेरी सिंपल, बट इनका जो फ्लैजेला होता है वो 9+2 के यानी दो बीच में होते हैं और 9 डुप्लेक्स ऐसे होते हैं, 9+2 स्ट्रक्चर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर उनको कट करेंगे तो उनके जो फ्लैजेला होते हैं वो इस तरह के होते हैं इसमें यूकैरियोट्स में, और दोनों के फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, the function of both the flagella in eukaryotes and prokaryotes are always identical, inke paas ek extra structure hota hai pili, jo pili is na prokaryotes in bacteria, jo prokaryotes hote hain usme pili hota hai jiske through wo conjugation karte hain,
या फिर वो किसी सरफेस पे जो चिपकने के लिए सरफेस को चिपकने के लिए पाइलाई होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। आगे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो कि हम आगे और जेनेटिक लेवल के अंदर अगर हम जाते हैं बात करते हैं, तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए आगे चूंकि अब सेल को डिवाइड करना है तो डीएनए को भी रेप्लिकेट करना होगा, तो थोड़ा सा जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं, समझने की बात है। जो जो प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस जहां से एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है और एमआरएनए वो न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म में जाता है, और साइटोप्लाज्म के जब बाहर जाता है तो वहां के राइबोसोम में जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो जो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में चूंकि वहां न्यूक्लियस तो है ही नहीं तो वो साइटोप्लाज्म में होता है। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस आपको आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ ये याद कर लो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स happening simultaneously and it is simple, but so far as the transcription and translation in eukaryotes are concerned, it is more complex. Transcription jo hota hai wo nucleus ke andar hota hai, aur nucleus ke andar mrna nuclear pore se jab bahar jata hai, bahar ja kar ke wo bahar ribosome pe pahunchta hai, wahan pe ja ke translation hota hai, theek hai। तो डीएनए का अगर रेप्लिकेशन की बात करें, चूंकि सेल को अभी डिवाइड होना है तो उसको जेनेटिक मटेरियल चाहिए, तो जेनेटिक मटेरियल भी डबल होना है, तो जेनेटिक मटेरियल डबल होने के डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। तो डीएनए रेप्लिकेट जो है प्रोकैरियोट केस में साइट से बाहर न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो साइटोप्लाज्म ही करेगा ना, तो वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है। लेकिन यूकैरियोट के केस में जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करता है, ठीक है। आगे फर्दर जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा आपको बात करके समझाने की कोशिश करूंगा कि जो प्रोकैरियोट्स के जो प्लाज्मिड है ना, जो प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियर मटेरियल जो जीन है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो काफी बाउंड होता है, वो बिल्कुल कंडेंस होता है और बाउंड होता है, उसमें मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं जो उसको बॉन्ड करते हैं। बट अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां समवट सिंपल होता है, वहां पे जो जो कंडेंस होता है, जो 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 डीएनए का जो बाउंड करता है वो हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन इस तरह का एक प्रोटीन होता है, इसपे जो इसपे डीएनए बाइंड करता है, तो ये इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। इट इज समवट सिंपलर, बट सो फार एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस प्रोकैरियोट्स आर कंसर्न, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, दैट्स व्हाई दे टेक देयर वेरी यू नो दे आर वेरी इजीली टू यू नो डिवाइड, वो आसानी से डिवाइड करते हैं और अपने नंबर्स को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। बट इसमें चूंकि इसका जो डिवीजन कॉम्प्लेक्स है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे तीन आरएनए काम करते हैं, तीन आरएनए अलग अलग आरएनए के जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना वो भी तीन होता है इसमें, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वन मैंने लिखा नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वन टू एंड थ्री, जिससे कि एमआरएनए आरआरएनए और टीआरएनए बनता है, ठीक है। लेकिन इसके केस में एक ही एंजाइम होता है जो कि तीनों एमआरएनए आरआरएनए और टीआरएनए बनाता है, तो ये उसका डिफरेंस है जहां तक हम फर्दर जाते हैं। और जेनेटिक में भी यही होता है कि चूंकि इनका डिवीजन सिंपल है तो फास्ट डिवाइड होते हैं, इनमें बहुत लंबा प्रोसेस है, पहले ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा, फिर एमआरएनए बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा तो वो राइबोसोमल आरएनए में जाके मिलेगा, फिर ट्रांसफर आरएनए कि जो कोडिंग आएगी वो ट्रिपल कोडोन के जरिए मिलता है इसमें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो डीएनए, जो इसका डीएनए होता है ये प्रोकैरियोट्स का, उसके अंदर रिपीटेशन नहीं होता है क्योंकि है ही बहुत कम। अभी ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास 23x46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हमारे पास तो बहुत मटेरियल है, तो हमारे अंदर जो जो जीन की जो जो तो आपको पता है कि अल्फा हेलिक्स डीएनए बना होता है, तो डीएनए के अंदर जो उसके जो बेस होते हैं ना, वो बेस ट्रिपलेट के वो कोडोन मैसेज बनाते हैं। जब आपको मैं डिटेल आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है बेसिकली। तो इसके केस में जो जो प्रोकैरियोट्स है उस केस में जो उसका जो जो जीन होता है ना उसमें कोडोन के रिपीटेशंस कम होते हैं, यानी हर जीन जो है उसका कुछ ना कुछ काम है और रिपीटेशन नहीं है। लेकिन इसके केस में जो प्रोकैरियोट्स है, जो यूकैरियोट्स है, और अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 95% जो डीएनए हमारे अंदर है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस में उसका कोड का काम ही नहीं होता, वो एम्प्टी होता है,
वो ऐसे खाली पड़ा होता है, और 5% ही ऐसा, 95% एम्प्टी है, और 5% ऐसा ही कोडोन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। तो यहाँ पे रिपीटेशन बहुत है, जो यूकैरियोट्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग के जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसके अंदर जो 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 बेसिस के जो रिपीटेशंस हैं, जो कोडोन है, जो 3-3 बेसिस के जो कोडोन बनते हैं जिनको की कोडिंग की जाती है, उसकी रिपीटेशंस ज्यादा होते हैं उसके डीएनए में। बट इनगेट इसके जो कि इसके पास एक ही क्रोमोसोम है, कॉम्पैक्ट है, तो यहां पे रिपीटेशन नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो सारा दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब जब आगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपको, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे डिटेल में जो जितने सारे थ्योरीज दिए गए कि वो कैसे बना होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू करके एक एक वीडियो में एक एक ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल से आपको बात करूंगा और आसानी समझाने की कोशिश करूंगा। ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल, मोर लूसिड, मोर इजी, मोर कॉम्प्रिहेंसिबल, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। हो सकता है मैं आगे आ जा रहा हूँ तो आपको पीछे ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से और स्क्रीनशॉट लेकर के देख लो। बट दिस ऑल मटेरियल आर अवेलेबल इन इंटरनेट और किसी भी टेक्स्ट बुक में आप देख लोगे, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। और जब आप आगे मॉलिकुलर लेवल पे जेनेटिक्स पढ़ोगे, बैक्टीरिया के बारे में अलग से जब आप स्टडी करोगे, और ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट सेल के बारे में जब आप अलग से स्टडी करोगे, और प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड बेटर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। टू स्टार्ट विद मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, मोटे-मोटे जो डिफरेंस है वो बताने की कोशिश किया मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, अपना कमेंट दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी हमारा वीडियो जो भी अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी। तो आप अपने जो जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, और जिनको बायोलॉजी से इंटरेस्ट है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो बायोलॉजी को समझना चाहते हैं, उनसे शेयर करें, उनसे उनको बोले, उनको लाइक करें, वो कमेंट करें, सो दैट आई कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड आई कैन मेक इट मोर इजीली। अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा इश्यू है, आई हैव स्टार्टेड लेट, बट ये जो बोर्ड है आई हैव ऑर्डर्ड अ बिगर बोर्ड, सो वेरी इन बहुत छोटे टाइम में वी विल बी हैविंग अ बिग बोर्ड एंड इट वुड बी इजी फॉर मी टू लेट यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड फर्दर इफ आई एम गेटिंग गुड से रिस्पॉन्स फ्रॉम माई व्यूअर्स, देन आई विल ट्राई टू मेक अ बिग LCD एंड यू नो मास्टर क्लास। लेकिन तब तक के लिए अभी आप इसी पे कोशिश करो, आप अच्छे से सेल को समझने की कोशिश करो, आप सारे जितने भी YouTube पे जाके जो भी एनिमेशन है सेल के उसको देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। बायोलॉजी इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज अ लाइफ साइंस। तो आपको यही कहना चाहूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड ट्राई टू यू नो रेडी फॉर द माई नेक्स्ट वीडियो विच वुड बी ऑन अ सेल ऑर्गेनेल एंड मे बी आई ट्राई टू स्टार्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टिल देन बाय बाय, गुड बाय।